कि 2004 के बाद में जो जवान भर्ती हुए उनका पेंशन सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन उन्हीं की सरकार के नुमाइंदे एक एमएलए एक दिन भी एमएलए बन जाता है और एमपी इसी तरह एक दिन भी एमपी रह जाता है उसको पेंशन देई होती है, और एक जवान 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करके आता है उसकी पेंशन देई नहीं है। ये 2004 के बाद में जो भर्ती है उनके लिए है ये, तो उनको पेंशन देना चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं तो उनके एमपी एमएलए का भी पेंशन उनको बंद करना चाहिए, और माननीय मोदी जी को भी अपनी पेंशन को बंद करवाना चाहिए। जैसे भी जब होंगे हट जाएंगे पद से तो उनको पेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपने एमएलए एमपी को भी देना चाहिए। मेरा यही आपसे आग्रह है, सरकार को ये संदेश देवें कि 2004 के बाद जो भी जवान भर्ती हैं उनको पेंशन तत्काल लागू की जाए, और हम एक रोड से लेकर के और यूएनओ की सेना में भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रहते हैं, हर जगह एसपीजी एनएसजी ये भी पैरामिलिट्री के जवान ही ड्यूटी करते हैं, उनको ये नहीं मालूम ये क्या है। एनएसजी और एसपीजी ये भी सीआरपी बीएसएफ से ही छांट करके सेलेक्ट करके उनको उसमें तैनात किया जाता है। रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपी एसकेएस भदौरिया बोल रहा हूँ। मैं इस रैली में इस मकसद से आया हूँ कि हमारे भूतपूर्व रिटायर्ड जवानों को अफसरों को पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वेतन में भी कई कटौतियां हो जाती हैं और कम से कम वेतन मिल रही है जिससे गुजारा होना मुश्किल होता है। दूसरा, हमारा जवान हर एक पूरे देश के कोने कोने में जा करके हार से हार ड्यूटी करता है जिसके कारण से जवानों को वो सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए उनको वन रैंक वन पेंशन दी जानी चाहिए और जो पेंशन की सुविधा बंद की गई है उसको लागू करनी चाहिए। सीएचडी कैंटीन की सुविधा मिलनी चाहिए और दर्जा जो शहीद का दर्जा है वो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी जवान उग्रवादियों में नक्सलाइटों में हर एक डेंजरस एरिया में ड्यूटी करता है और वहाँ मारा जाता है, लेकिन उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। डिप्टी कमांडेंट हूँ सीआरपी का और मैं उसी से रिटायर हुआ हूँ। हमारा पैरामिलिट्री फोर्स जो है कितनी ईमानदारी से कितनी बेबाकी से कितनी सतर्कता से ड्यूटी करता है उसका हमको फल क्या मिलता है। ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन नहीं, बक्से हम सर पे लेके जाते हैं, जाते बॉर्डर ड्यूटी बक्से हम अंदर डालते हैं, सीटें नहीं मिलती तो लेटरिन में बक्से लगा के हम बैठते हैं, फिर क्या हमारे साथ करते क्या। हम डिसिप्लिन्ड हैं, इसके मतलब हम कायर नहीं हैं, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को कायर नहीं समझना चाहिए है? हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं, सर आप कुछ बोलें, हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं, हमारी तो हक की लड़ाई है। हमारी बातें सुनो, कभी तुमने सुना, अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, पांच स्टेट में निकल गए, अभी भी तुम आंखें बंद करे लेके ऐसे बोलो ना, हम खुशी को वोट देंगे। और तुम्हें जब चलता है कभी आर्मी पे लाठी चला देते, कभी हम पे लाठी चला देते, तुम्हारे पास लाठी बची है, हमारे पास झंडे की जगह अब डंडा है, झंडा था अब डंडा है। सर कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, आप हमारी बातें सुनो भाई, हमको ऐसा नहीं। अब हमारे जवान जो अभी रिटायर होंगे उनको उनका क्या भविष्य है बता दो मेरे को, कोई भविष्य नहीं है, और वो उनको हमारे अगेंस्ट लगा रखा, हमारे अगेंस्ट लगा रखा, उनको कार्डन डाल रखा, शर्म नहीं आती इनको करने में। हमारे साहब हमारे लोग हाँ हमारे लोग हमारी गार्डिंग गार्डिंग की जगह हमें कस्टडी में लिए हुए हैं, क्या भाई है? अंग्रेज कहते थे सीआरपी को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, पुलिस बिल्कुल, और आज इन्होंने हमें गुलाम दिया, चोर उचक्का समझ रखा क्या है? ये इन्होंने आजादी हमको दी या हमें स्लेव बना दिया, हम गुलाम बना रखे हैं, हम रिटायर हो गए चलो ठीक है, लेकिन हमारी ये जवान तो हैं, इनको क्या इनका क्या भविष्य है ये हमें बताएं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। 1966-67 बैच का डायरेक्ट ऑफिसर, और ये जो हमारा ये परिस्थिति
जो बना के रखा है गवर्नमेंट ने, कोई भी हो गवर्नमेंट, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको कोई थोड़ा तो शर्म आना चाहिए कि हमें इस हालात में धक्का दे के रख रखा है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कोर्ट कचहरी तो सभी जाते हैं लेकिन मरने के लिए हम ही नहीं हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस सर्विस के लोग अगर हिसाब से देखा जाए, रोज़ उनका जो डेथ है वो है 100 के आसपास। और जो ITBP के लोग हैं उनका तो पता ही नहीं चलता कितने जो दब के मर गए, कितने शहीद हो रहे हैं। BSF CRP तो बाहर है, नज़र आता है, लेकिन मरने वालों का संख्या जो है वो कम नहीं है। देश के लिए मर रहे हैं हमारे, कोई ये याद रखो, हमारे कोई कश्मीरी से या माओ उग्रवादी से या कोई नक्सलवादी से किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम तो अपना नौकरी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लेकिन ये सभी गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार फेल हो चुके हैं सभी। शुक्रिया।